हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रंजन कुमार। मेरे पास आज एक आया है जियो एफ 120 बीके की हैंडसेट है। देखिए दोस्तों, ये है आपकी जियो, ये देखिए दोस्तों, ये आपकी, मैं थोड़ा स्पॉट कर लेता हूँ, जियो एफ 120 बीके ये की हैंडसेट है। जो कि इसमें देखिए, ये जो मेरा बैटरी है अभी पूरा फुल चार्ज है, लेकिन देखिए मैंने उसको ऑन करता हूँ तो ये ऑन होने के बाद ये देखिए फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब मैं मोबाइल को चार्जिंग करता हूँ तो ये मोबाइल स्विच ऑन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जब मैं चार्जिंग करता हूँ तो ये मोबाइल स्विच ऑन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैंने जब सिर्फ बैटरी पे ऑन करता हूँ तो ये चार्जिंग या मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उसका सॉल्यूशन हम आपको मैं डिटेल्स में बताएं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए उसके सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ आपको। तो इस तरह आपको मैं दिखाऊंगा। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टीपी पॉइंट दोनों है। ठीक दोस्तों, ये जो टीपी पॉइंट 1 और टीपी पॉइंट 2 है, तो ये जो टीपी पॉइंट से आपको ये जो बैटरी कनेक्ट जो पॉजिटिव होता है उसके एक जम्पर देना है। ठीक दोस्तों, उस पर यहाँ तक एक जम्पर देना है। तो ये जो जम्पर देना है, देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव का जो ट्रैक होता है वो एक रजिस्टर देकर आता है। ठीक है दोस्तों, रजिस्टर देकर आता है। तो पहले हम उसको देखेंगे कि उसकी कहाँ पर जाता है, उसकी जो कंटिन्यूटी, उसके बाद उसकी जो जम्पर देकर देना होगा, मैं आपको डिटेल्स में शो करूँगा। तो उससे पहले मैं फिर थोड़ा भी काम करके आपको दिखा रहा हूँ कि क्या उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी दे दीजिए। तो उसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर सिंपल सी आपको यहाँ पर जो बैटरी कनेक्टर होता है, तो दोस्तों देखिए, ये जो बैटरी कनेक्टर है उसके साइड पर यहाँ पर एक कैपेसिटर। ठीक है दोस्तों, तो जो कैपेसिटर आपको रिमूव कर देना चाहिए। देखिए, तो जो कैपेसिटर है, तो मैंने उसको रिमूव कर लिया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, तो मैंने उसको रिमूव कर लिया। और ये रिमूव करने के बाद दोस्तों, और उसको रिमूव करने के बाद अब मैं बैटरी लगाकर उसको टेस्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, उसको मैं टेस्ट करूंगा। तो ये अभी तक भी ऑन नहीं हो रहा है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों देखिए, सिंपल से क्या करना है, आप उसको निकालिए। और ये निकलने के बाद यहाँ पर जो कैपेसिटर है, तो उसको आप थोड़ा क्लीन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको उसको थोड़ा क्लीन करना चाहिए।
तो उसको मैंने ऑलरेडी थोड़ा क्लीन कर लिया। और अभी मैं पूरा क्लीन हो गया। और ये क्लीन होने के बाद देखिए मैंने अभी बैटरी डालता हूँ। तो बैटरी डालने के बाद फ़ोन को स्विच ऑन करता हूँ। तो ये मेरा फ़ोन अभी ऑन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक भी दे दीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब होने का तो मैं जब नया नया वीडियो शेयर करूँगा तो आपकी डेस्कटॉप पर नोटिफिकेशन आ जाइए। देखिए आपकी फ़ोन अभी ऑन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए। और देखना दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर उसको रिमूव करना चाहिए और उसको थोड़ा क्लीन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, रखता हूँ दोस्तों।